हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शर्मा आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें कि हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। और पहला चैप्टर का क्या नाम है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में अभी तक हमने 5 लेक्चर्स ले लिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हमारे बाकी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और एक तरीके से थ्योरम्स होती हैं, उनको प्रूव करना होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर के केस में। तो आज हम वो पढ़ेंगे और थोड़ा थ्योरेटिकल वर्क है, तो थ्योरेटिकल वर्क होने के कारण मैंने वो चीज़ें पहले ही यहाँ पे लिख के रख ली हैं, बस आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 का आज का टॉपिक क्या होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, जिसमें आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये तो आपको पता ही है कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग। भाई अगर रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग के केस में कौन सा केस लगता है, रिपीटिंग वाला। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये होता है रेशनल नंबर का केस। रेशनल नंबर में दो टाइप के डेसिमल्स आते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, दूसरा कौन सा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आता है। वहीं पे अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर में कौन सा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला केस आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इरेशनल नंबर की, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई रेशनल नंबर की। वहीं पे नंबर दो पे बात करें, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर्स। मीन्स अगर हम कोई भी इरेशनल नंबर लेते हैं और उसका नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव का मतलब है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करने पे क्या इरेशनल नंबर में चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे। इरेशनल, अगर सपोज दैट एन इरेशनल नंबर है कोई, तो अगर माइनस एन लिखें तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसी तरीके से रेशनल नंबर में क्या होगा, रेशनल नंबर का भी अगर नेगेटिव करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो भी रेशनल नंबर ही रहता है। जैसे कि आपका 2y3 रेशनल नंबर है, तो -2y3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। 2y3 क्या था, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसी तरीके से इसकी भी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर, इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। अब हम यही प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर के लिए, नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई क्या करेंगे, इफ एन इज एन इरेशनल नंबर, मान लिया कि एन कोई इरेशनल नंबर है, तो हमें ये शो करना है, क्या शो करना है, माइनस एन इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूव करना है, माइनस एन इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो भाई ये कैसे प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। किस मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो हम बता दे रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, क्या होता है, विरोधाभास। मीन्स सपोज दैट हमको क्वेश्चन में कुछ दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, और जब हम प्रूव करने जाएंगे तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आंसर आएगा, मीन्स उसके जस्ट अपोजिट आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो लास्ट में हम कह देंगे कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन
अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने आंसर में अज्यूम किया था वो गलत है भाई, और जो क्वेश्चन में दे रखा है भाई सही है, तो यही सही है। तो इसका मतलब क्या है, इफ एन इज एन इरेशनल नंबर देन माइनस एन एन इज एन आल्सो एन इरेशनल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। तो देखिए आपको करना कैसे है, सबसे पहले तो हम अज्यूम करते हैं, ये फर्स्ट लाइन होती है, इसमें अजम्पशन लिया जाता है, ठीक है। लेट अस अज्यूम माइनस एन, हमको क्या प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है माइनस एन, तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे भाई इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर, ठीक है भाई इरेशनल तो प्रूव ही करना है, तो भाई अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम माइनस एन इज अ रेशनल नंबर, हमने अज्यूम कर लिया माइनस एन क्या है रेशनल नंबर है। फिर हम क्या, नाउ वी नो दैट, ये है वी नो दैट, शॉर्टकट में लिखा है, नाउ वी नो दैट नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सेकेंड पॉइंट लिखा है नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो भाई हमको पता है नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, और हमने अज्यूम क्या किया है माइनस एन क्या है रेशनल नंबर है, तो हम इसका नेगेटिव ले लेंगे, क्या लेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ माइनस एन, ठीक है, और माइनस एन क्या है हमारा रेशनल नंबर है, तो नेगेटिव ऑफ माइनस एन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का एन, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए रेशनल नंबर होना चाहिए भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए रेशनल नंबर होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए रेशनल नंबर, क्योंकि हमें पता नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट यहाँ पे क्या है एन इज अ रेशनल नंबर विच कॉन्ट्राडिक्स अवर ओरिजिनल क्वेश्चन। अब देखिए भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑलरेडी एन एक इरेशनल नंबर है, जब एन ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे एन इरेशनल कैसे, रेशनल नंबर कैसे आ सकता है बताइए भाई, एन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इरेशनल है, बट यहाँ पे हमको प्रूव हो के क्या आ रहा है रेशनल नंबर है, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम, विच कॉन्ट्राडिक्स अवर ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज एन इरेशनल नंबर, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मैथड अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, कौन सा अजम्पशन रॉन्ग है, जो हमने ये अजम्पशन लिया था, ये लेट अस अज्यूम माइनस एन इज अ रेशनल नंबर, ये भाई गलत हो गया, क्या हो गया ये गलत हो गया, अगर ये गलत है तो सही क्या है रेशनल नहीं भाई इरेशनल ही होना चाहिए माइनस एन को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एंड माइनस एन इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड माइनस एन इज अ इरेशनल नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है, अजम्पशन हमारा गलत हो गया, और सही क्या है जो भाई क्वेश्चन में दे रखा था वही सही है। तो ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसको भी प्रूव करेंगे, वो भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होगा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ ली थी और प्रूव भी उसका कर लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ने से पहले कुछ रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज और होती हैं वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि दो रेशनल नंबर्स हैं Q1 और Q2, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको Q मिलता है, मीन्स दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पे हमको रेशनल नंबर ही मिलता है। ऐसे ही इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, दो रेशनल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स उनका अगर डिफरेंस ले लेंगे, तो जो अगला जो तीसरा रेशनल नंबर Q आएगा वो भी क्या होगा एक रेशनल नंबर ही होगा, मीन्स डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, इसी तरीके से सम ऑफ टू नंबर्स इज अ रेशनल नंबर, और अगर दोनों सेम है रेशनल नंबर इनको सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आएगा जीरो, और जीरो भी क्या होता है एक रेशनल नंबर ही होता है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं Q1 और Q2 मींस दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा एक रेशनल नंबर ही होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होंगी रेशनल नंबर की। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, जो कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मीन्स कह रहा है एक रेशनल नंबर ले लें और एक इरेशनल नंबर ले लें, तो दोनों क्यू और आई मीन्स एक रेशनल एक इरेशनल, और दोनों को अगर ऐड कर दें तो फाइनली जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा इरेशनल नंबर। तो ये कहना चाहता है इरेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा रेशनल नहीं इरेशनल मिलेगा। Q1 कोई रेशनल नंबर है,
आई वन कोई इरेशनल नंबर है, इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो हमको फाइनली एक इरेशनल नंबर मिलेगा, ये प्रूव करके बताओ। ठीक है, सपोज दैट हमने क्यू वन की वैल्यू एक्स ले ली, एक्स क्या है रेशनल नंबर हो गया, आई वन की वैल्यू हमने क्या ले ली वाई ले ली, वाई क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इरेशनल नंबर आई मिलेगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करके बताना है। तो भाई ये क्वेश्चन हो गया हमारा, तो ये प्रूव करके हमें बताना है। ठीक है, जो इसको भी हम किससे करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, किससे करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या हो गया कि हम कुछ एज्यूम करेंगे, एज्यूम करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो जो अजम्पशन होगा वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे एक्स को क्या माना रेशनल नंबर, वाई को क्या माना इरेशनल नंबर। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो वाई है यहाँ पे इरेशनल है ना, जो सॉल्व करेंगे तो इसमें ये रेशनल आ जाएगा, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। और कॉन्ट्राडिक्शन जैसे ही हो जाएगा आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ती है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मैथड अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकता, अजम्पशन ही गलत हो सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया एक्स प्लस वाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना था, ये इरेशनल नंबर। तो हमने पहले मान लिया भाई चलो इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है, देखते हैं भाई क्या होता है। हमने इसको क्या मान लिया रेशनल नंबर मान लिया, जैसे फर्स्ट केस में हमने माना था, तो इसको भी हमने रेशनल मान लिया। तो लेट अस अज्यूम एक्स प्लस वाई इज अ रेशनल नंबर। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। ये हमने प्रॉपर्टी लिखवाई, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो भाई दो रेशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो हमने भाई इसको क्या माना, एक रेशनल नंबर मान लिया। तो पहला नंबर ये हो गया, उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x, x भी क्या है रेशनल नंबर है। तो भाई रेशनल में रेशनल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको क्या मिलना चाहिए, रेशनल ही मिलना चाहिए। देखते हैं भाई क्या मिलेगा, x प्लस वाई को ओपन करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वाई बचेगा। तो वाई भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, भाई हमारा क्वेश्चन में क्या था, स्टेटमेंट में इरेशनल था, यहाँ पे क्या आ रहा रेशनल नंबर, यानी कि क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। बाई इज अ रेशनल नंबर विच कॉन्ट्राडिक्स, ये क्या कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे कर रहा है, हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। ठीक है, हमारा अजम्पशन इज अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, एंड वी कैन से दैट हमारा जब अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो भाई हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सॉरी सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिख देंगे जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ थ्री हो जाता है, प्रॉपर्टी नंबर थ्री का प्रूफ हो जाता है। इसी तरीके से कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है, उनको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर फोर पे। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर फोर पे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थ्री का आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रॉपर्टी नंबर फोर पे बढ़ने से पहले रेशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या बोलता है, दो रेशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें क्यू वन अपॉन क्यू टू तो तीसरा जो रेशनल नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। मीन्स दो रेशनल नंबर्स का डिवीजन एक रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की। चलिए बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब है जीरो नहीं लेना, बाकी कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, एंड एन इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर ले लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए तो जो तीसरा नंबर मिलेगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। कहने का मतलब ये है कि x इंटू बाई लिखा है, x नॉन जीरो रेशनल नंबर है, बाई क्या है एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने पर हमको एक इरेशनल नंबर मिलता है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको भी बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना है, x इंटू बाई क्या है इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम इसको क्या अज्यूम करेंगे, भाई ये इरेशनल नहीं है, क्या है रेशनल नंबर है।
रेशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। प्रूफ डालिएगा, प्रूफ के बाद हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम एक्स इंटू वाई, जैसा कि हर क्वेश्चन में हम एज्यूम करते थे, जो हमको प्रूफ करना होता था उसके अपोजिट में एज्यूम कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या इसको एज्यूम कर लेंगे, रेशनल नंबर। तो एक्स इंटू वाई इज अ रेशनल नंबर, ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ वी नो दैट, अब हमको पता है कि भाई डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, आपको थ्योरी लिखनी है, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमने शॉर्टकट में बता दिया, क्यू वन अपॉन क्यू टू इक्वल टू क्यू, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। थ्योरी में, थ्योरी में क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो हम क्या करेंगे, एक्स, सो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई को हमने क्या माना है, रेशनल नंबर, यानी कि एक रेशनल नंबर ये हो गया। अब डिवाइड करेंगे इसको दूसरे रेशनल नंबर से, तो एक्स क्या है, एक्स दूसरा रेशनल नंबर हो गया, तो न्यूमरेटर में भी रेशनल, डिनोमिनेटर में भी रेशनल, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल के आएगा, ये वाई एक्स, एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई बचेगा, यानी कि ये जो मिल रहा है ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए बाई प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। बट हमारे स्टेटमेंट में ये क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर, यहाँ पे क्या आ रहा है, रेशनल नंबर, यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा, तो इट इम्प्लाइज वाई इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्स, ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, और क्या सही है, स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट सही है, क्या लिखोगे, हैंस हैंस, फिर पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे उतार देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है, और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आज का लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव की, नेगेटिव ऑफ इरेशनल इज अ इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करने पे हमेशा इरेशनल मिलता था, एक रेशनल और एक इरेशनल को प्रोडक्ट करने पर भी क्या मिलता था, इरेशनल नंबर, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें रेशनल नंबर के केस में, तो भाई इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट और इनका डिवीजन सब क्या होता था, रेशनल नंबर ही होता था, मींस दो रेशनल को ऐड कर रहे हैं तो रेशनल मिल रहा है, दो रेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी रेशनल मिल रहा है, दो रेशनल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं तब भी रेशनल मिल रहा है, दो रेशनल्स को डिवाइड कर रहे हैं तब भी रेशनल मिल रहा है। तो क्या ये इरेशनल नंबर के केस में हो सकता है ट्रू या नहीं हो सकता है? तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 3 स्टार बना लीजिए, 1, 2, 3, ठीक है। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर, बट इरेशनल नंबर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता, ये भी है, ठीक है। बट इनमें तो हमेशा ही होगा भाई, दो रेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा ही एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, बट क्यों नहीं होगा इरेशनल नंबर के केस में, चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस हम लेंगे, ऐड करेंगे भाई, रूट एन एक इरेशनल नंबर है, वहीं पे माइनस रूट एन ले लेंगे, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो क्या है, रेशनल है। देखिए दो इरेशनल को ऐड कर रहे हैं, हमको क्या मिला, रेशनल मिल रहा, ठीक है। इस तरीके से माइनस, यहाँ पर रूट एन है और रूट एन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनली हमको क्या मिल रहा, जीरो, क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद रूट एन इंटू रूट एन, दोनों क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट किया, हमको एन मिल रहा है, और एन क्या होगा, एन कोई इंटीजर होता है भाई यहाँ पे, ठीक है, तो इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर, इंटीजर है तो रेशनल है, तो विच इज अ रेशनल नंबर। सपोज दैट का यहाँ पे लिखा है रूट टू, कितना लिखा है, रूट टू, और मल्टीप्लाई करा रहे हैं आप रूट एट से, दोनों इरेशनल्स हैं, ठीक है, रूट टू और रूट एट जब मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आएगा रूट 16, ये आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो इसी तरीके से रूट एन, रूट एन है तो एन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, सपोज दैट हमने लिखा रूट
टू इंटू रूट टू, तो ये कितना आ गया रूट टू ये कितना गया टू आ गया हमारे पास, टू आ गया। टू क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि जो यहाँ पे लिखा होता है रूट के अंदर वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी भाई देखिए रेशनल आ रहा है दो इरेशनल का। अगर हम डिवीजन करें रूट एन अपॉन रूट एन, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ये वन मिल रहा है, वन मिल रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लें, सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा 12 लिखा, रूट 12 अपॉन रूट 3 दो इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो होल के ऊपर लगा दीजिए रूट, तो 12 अपॉन 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट 4, कितना आ जाएगा रूट 4 आ जाएगा, ठीक है। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, जो कि क्या है रेशनल नंबर, क्या है विच इज अ रेशनल, क्या है एक रेशनल नंबर है। तो भाई देख रहे हैं आप यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि हमेशा ही हमको जो सम है वो इरेशनल मिले, हमेशा ही सब डिफरेंस है वो भी इरेशनल मिले, प्रोडक्ट है वो भी इरेशनल मिले, डिवीजन है वो भी इरेशनल मिले, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। कुछ केसेस में हमको यहाँ पे रेशनल नंबर देखने को मिल सकता है। तो यही प्रॉपर्टी थी इरेशनल नंबर्स की, 5 प्रॉपर्टीज हैं टोटल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और 6 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स की। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम डेसिमल नंबर्स, ठीक है, या फिर हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, या कि नहीं दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कोई इरेशनल नंबर कैसे ऐड करेंगे, निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।